Dynamican Akhlak Khan है. मैं this live dynamic institute ज्वाइन किया. आज हम सीखेंगे एक्टिविटी स्कैफोल्ड के बारे में. स्कैफोल्ड के बारे में स्कैफोल्ड इस एक्टिविटी में जो एक स्कैफोल्ड का हजार्ड है और उसका जो कंट्रोल है, इसका सबसे पहला हजार्ड है फॉल फ्रॉम हाइट. फॉल फ्रॉम हाइट होता है या सीढ़ी से चढ़ते समय या उसमें काम करते समय स्लिप या ट्रिप हो सकता है. और काम करते समय जो भी वर्कर नीचे गिरता है वो गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है. तो इससे बचने के लिए तीन चीज़ें मेजर होती हैं. सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है उसका बैरिकेशन होना चाहिए और वो बैरिकेशन डबल होना चाहिए. एक पहला टॉप रेंज जो कमर के बराबर होता है यानी 42 इंच का, और दूसरा घुटने के बराबर होता है यानी 21 इंच का. उसके बाद जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे सेफ्टी नेट होना चाहिए ताकि अगर वर्कर गिरे भी वो नीचे ना जाए बल्कि सेफ्टी नेट पे रुक जाए. उसके बाद जो वर्कर्स हैं उनको फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए और उसे PFAS से लगाना चाहिए. PFAS मतलब पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ताकि अगर वर्कर गिरे तो वो वहीं पे लॉक हो जाए और लटक जाए. उसके बाद इसका दूसरा जो हजार्ड है वो है पुल्स एंड ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम हाइट, यानी पुल्स एंड ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना, हाइट से नीचे गिरना. यदि कोई पुल्स किनारे रखा हुआ है या ज़्यादा बिखरा हुआ है वो नीचे गिर सकता है. और यदि कोई भी पुल्स या ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो सबसे पहले तो वो डैमेज होता है जिससे प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. और यदि वो किसी वर्कर पे गिर जाता है तो वर्कर गंभीर रूप से घायल हो सकता है और चोट लग सकती है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है. तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमें जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर डो बोर्ड होना चाहिए जो 3 इंच से 6 इंच का रहता है. उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जितने भी सामान है, प्लेटफॉर्म पे तो उतना सामान ही रखना चाहिए उनको जितना यूज है इसका, ओवर लोडिंग नहीं करना है क्योंकि जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे सामान होगा उसे गिरने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा. उसके बाद इसका जो तीसरा हजार है वो है स्कैफोल्ड कोलैप्स, यानी स्कैफोल्ड का ढह जाना या गिर जाना. स्कैफोल्ड कोलैप्स होने का कारण है कि यदि वहाँ कुछ सॉइल है या सही से क्रॉस ब्रेसिंग नहीं है या बिल्डिंग से टाई अप नहीं है तो वो कोलैप्स हो सकता है. तो और यदि स्कैफोल्ड कोलैप्स होता है तो उसमें जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं वो तो गिरते ही हैं, साथ ही साथ उस स्कैफोल्ड के चारों ओर जितने भी वर्कर्स होते हैं वो स्कैफोल्ड से दब जाते हैं या घायल हो जाते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है. फिर स्कैफोल्ड के कोलैप्स से बचने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि स्कैफोल्ड वही बनाए जो इसमें कॉम्पिटेंट हो, यानी एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही स्कैफोल्ड को खोल सकता है, बना सकता है, हटा सकता है या चेंज कर सकता है. और स्कैफोल्ड बनाने से पहले सबसे पहले उस मिट्टी को चेक करना होगा कि वो लूज स्लाइड ना हो, और वहाँ पे अगर मिट्टी ऊपर खबर है तो उसको समतल करने के लिए टिम्बर्स होना चाहिए और उसमें स्क्रू चाहिए वाला बेस प्लेट चाहिए ताकि उसके डिस्टेंस थोड़ा बहुत डिस्टेंस मैनेज किया जा सके. उसके बाद जो उसका वर्टिकल पोल है वो 1.5 मीटर पे और जो हॉरिजॉन्टल पोल है वो 1 मीटर पे प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए. उसके बाद क्रॉस ब्रेसिंग होना चाहिए और जो बिल्डिंग है वो जो स्कैफोल्ड है वो बिल्डिंग से टाई अप होना चाहिए और उसके बीच की गैपिंग मैक्सिमम 14 इंच होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद इसका जो नेक्स्ट हजार्ड आता है वो है स्लिप एंड ट्रिप. स्लिप हो सकता है यदि हम स्कैफोल्ड पर चढ़ते हैं उस पर कोई भी पेंट जम रहा है या कोई भी लिक्विड ऐसा मटेरियल है जो स्लिपी हो जिससे हम स्लिप कर सकते हैं, या प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सा सामान बिखरा हुआ है जिससे ट्रिप धोखा लगने पर नीचे गिर सकते हैं और नीछे गिरने के बाद गंभीर चोट लग सकती है और डेथ भी हो सकती है. तो इससे बचने के लिए हमको सबसे पहले जो भी स्कैफोल्ड है वो पेंट नहीं करना चाहिए और इसको क्रॉस ब्रेसिंग के सहारे पर नहीं चढ़ना है क्योंकि वो हाथ से छूट सकता है, स्लिप कर सकता है. हमको लेडर का यूज करना चाहिए और लेडर भी पेंट नहीं हुआ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भी लिक्विड मटेरियल जैसे ग्रीस पेट्रोल या ऑयल या कुछ भी मतलब जो स्लिप कर सके नहीं लगा होना चाहिए, या जब प्लेटफॉर्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा सामान बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए जिससे हमें धोखा लग सकता है और नीचे गिर सकते हैं. और इसके बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टार्ट जो है वह इलेक्ट्रिक शॉक या इलेक्ट्रिक कुशन. इलेक्ट्रिक शॉक
तब हो सकता है जब हमारे स्कैफोल्ड के ऊपर से या नजदीक से कोई इलेक्ट्रिक वायर गया हो और वो इलेक्ट्रिक वायर डैमेज हो, तो अगर वो उसमें टच करता है तो हमको उसमें तुरंत प्रिंट आ सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और यदि वो हाई पावर सप्लाई हो तब तो इलेक्ट्रिकन भी हो सकता है, और जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनकी जान जा सकती है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हमको तो उस पावर सप्लाई को बंद करना होगा और उसके रूट को चेंज करना होगा। और यदि ये संभव ना हो तो हमको उस स्कैफोल्ड या उस पर काम कर रहे वर्कर के हेड से 10 फीट का डिस्टेंस रखना होगा ताकि इलेक्ट्रिकन या इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। एंड उसके बाद जो स्कैफोल्ड का चाली है वो फुली बोर्डेड होना चाहिए और उसमें गैपिंग नहीं रहना चाहिए, और एक चाली से दूसरे चाली के बीच में मैक्सिमम 1 इंच का गैप होना चाहिए, और जो चाली है वो एक दूसरे पर कम से कम 12 इंच चढ़ा होना चाहिए ताकि बीच में अगर बोर्ड पड़े वो उठे नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं पीपीज के बारे में। पीपीज जैसे हेलमेट हमारे सर की सुरक्षा करता है। यदि हम हमारे सर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट दिखता है या हम स्वयं गिरते हैं या हमारा सर किसी चीज़ से टकराता है तो वो हमारे सर की सुरक्षा करता है। और यदि स्कैफोल्ड पर हम कटिंग चिपिंग का काम कर रहे हैं तो हमें व्हाइट वाला सेफ्टी गॉगल्स यूज करना चाहिए ताकि हमारी आंखों की सुरक्षा हो, और ये काम करते समय डस्ट भी निकलता है, और इस डस्ट से बचने के लिए हमको नोज मास्क भी यूज करना चाहिए। उसके बाद हमें हाई विजिबल जैकेट पहनना चाहिए जो धूप से ही दिखाई देता है। उसके बाद हमें अपना ग्लव्स यूज करना चाहिए जो काम के अनुसार रबर का हो सकता है, लेदर का हो सकता है या कॉटन का हो सकता है। उसके बाद हमें फुल बॉडी हार्नेस यूज करना चाहिए ताकि अगर हम गिरते भी हैं तो हम उसी के सामने झूल जाएं, लटक जाएं। उसके बाद हमें सेफ्टी शूज यूज करना चाहिए जो हमारे पैरों की सुरक्षा करता है किसी भी प्रकार के चोट लगने से, कटने से, छिलने से या किसी कील के छूने से भी हमारे पैरों को बचाता है।